फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य हूँ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, वो भी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म के बारे में, जिसके बारे में दो से तीन दिन पहले खबर आई थी कि अक्षय कोई स्पेशल एजेंट का रोल प्ले करने वाले हैं। 80s के दौर की कहानी है और इसका नाम बेल बॉटम्स रखा गया है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो खबर जानकर आप बहुत ही ज्यादा शॉक, सरप्राइज और हैरान होंगे और खुश भी होंगे। आपको याद होगा 2019 में एक फिल्म आई थी कनाडा में, बहुत अच्छी फिल्म आई थी बेल बॉटम। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म मैं अभी तक नहीं देखा हूं, लेकिन मुझे बहुत ही जल्द देखनी थी। पहले से मैं देखने वेट कर रहा था, थिएटर में यहाँ पे लगी नहीं थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। और इसका तो ऑनलाइन है ये फिल्म अवेलेबल, मैं जल्दी देखूंगा। लेकिन यहाँ पर चीज क्या मैं आपको बता दूं, ये फिल्म को जो डायरेक्ट किया था वो किया था जय थिरथा ने, जो डायरेक्टर थे, और इस फिल्म को फिल्म में नजर आए थे ऋषभ शेट्टी, जो वन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर भी है ऋषभ शेट्टी, और एक्टिंग किया है इस फिल्म में, और हरी प्रिया नजर आई थी। और कमाल की फिल्म, इस फिल्म की कहानी ये थी कि एक लोकल पुलिस स्टेशन में रॉबरी हो जाती है और वो सॉल्व नहीं होती है। पुलिस स्टेशन की रॉबरी मतलब समझ रहे ना कितनी बड़ी बात है, तो किस तरह से एक जो बच्चा रहता है उसे बचपन से एकदम सपना आता है कि वो डिटेक्टिव बने, और उसे मौका मिलता है पुलिस के इस क्राइम सीन को सॉल्व करने का, वो किस तरह से अपना तिकड़म लड़ाता है डिटेक्टिव बन के, वो इस फिल्म की कहीं ना कहीं कहानी है। बहुत ही बढ़िया फिल्म चली थी और इस साल बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में। और बड़ी बात यह है कि इसका तमिल राइट्स जो है ऑलरेडी ले लिया है सत्य शिवा ने, और इसके ऊपर काम चालू है फिल्म पर, और इसका तेलुगु राइट्स पर भी बहुत जल्दी काम चालू है। तेलुगु फिल्म भी इस पर इसका रीमेक बनने वाला, तेलुगु रीमेक में भी। और वहीं बात करें हिंदी रीमेक के बारे में कि तो निखिल आडवाणी जब इस फिल्म को देखा तो वो झट से तैयार हो गए इस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए। निखिल आडवाणी ने फिर अप्रोच किया रंजीत तिवारी जो डायरेक्टर है, और जो बाकी वासु भगनानी है उन्हें जो प्रोड्यूसर है निखिल आडवाणी की तरह, और फिर अक्षय कुमार को अप्रोच किया गया। तो अक्षय कुमार ने अभी तक इस पर हामी भरी, इस तरह की बातें आई है, ऑफिशियली बातें कहीं पर भी नहीं आई, लेकिन हाँ इस बारे में बातें बहुत ज्यादा उठी हुई है। और यहाँ पर साफ है कि अक्षय कुमार का करेक्टर जो होगा वो एक डिटेक्टिव का रहेगा, और 80 के दौर का ये क्राइम है ना, मिस्ट्री थ्रिलर है, तो 80 के दौर की कहानी होगी। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रोल है अक्षय कुमार एक डिटेक्टिव के तौर पे, हम ऑलरेडी उन्हें देखे कई बार, तो बहुत मजा आएगा इस फिल्म में। और ये फिल्म आपको बता दी इतनी बढ़िया सक्सेस हुई है कनाडा में कि इसका सेकेंड पार्ट का भी शूटिंग चालू होने वाला है 2020 में बेल बॉटम 2 नाम से। तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म का ऑफिशियली जो रिमेक है वो हिंदी में बढ़िया तरह से स्टार्ट हो। और जहां तक बात की जाए, इस फिल्म का स्क्रिप्टिंग स्टेज पर काम चालू है, इस साल के एंड तक स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी, यानी कि साफ है कि अगले साल तक जनवरी और फरवरी में इसकी शूटिंग चालू हो जाएगी। लेकिन फिल्म मेकर्स के पास अभी बहुत सारे काम, आई मीन जो प्रोड्यूसर्स है निखिल आडवाणी वासु भगनानी, उनके पास अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, तो वो ये वेट कर रहे हैं कि आखिरकार इस फिल्म के साथ आगे बढ़े या कोई और फिल्म चुने। तो अभी एकदम अर्ली स्टेज में ये सब चीजें बातें चल रही है, यानी कि अक्षय कुमार का भी कंफर्मेशन अभी तक पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हाँ साफ है अगर ये फिल्म बनी बेल बॉटम तो ऑफकोर्स अक्षय कुमार जरूर आएंगे, इतना तो तय है। यानी कि जो भी अपडेट्स होगा मैं जरूर बताऊंगा इस फिल्म से जुड़ी खबरों के बारे में, लेकिन अगर ऐसी खबरें आनी शुरू हो चुकी है तो इसमें ज्यादातर सच्चाई होती है, तो इसलिए मैं आपको खबर बता रहा हूँ। आई होप जैसे भी ऑफिशियली बयान आ जाए मैं जरूर बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।